नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है यूपी SSSC रिक्रूटमेंट 2021 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जितने अभी तक पेंडिंग एग्जाम है, यानी जिसके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं या अभी तक पेट का एग्जाम नहीं हुआ है, और 2021 में कौन कौन सी यूपी SSSC जो है वैकेंसियाँ निकालने वाले, उसके बारे में भी हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये न्यूज जो है आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको टनाटन मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि योगी जी दावा कर रहे हैं कि मैंने 4 साल में 4 लाख नौकरियाँ दी हैं, जो आप लोग भी जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी जो है झूठी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 4 साल में आप लोगों को कितनी नौकरियाँ मिली है। फिर हम लोग बात करने वाले हैं, योगी जी ने बोला है कि आप लोगों को पेट को जल्द कराने के साथ साथ भर्ती परीक्षा के परिणाम भी शीघ्र कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि प्रारंभिक जो अर्हता परीक्षा है लेकर इन्होंने अधिकारियों के साथ क्या की है, बैठक की है योगी जी ने, और उन्होंने बोला है कि पूरी तैयारी के साथ जल्द कराने का निर्देश भी दिया है और आपका परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित करने के लिए भी बोला है। तो चलिए हम इसको विस्तार से भी जान लेते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। और हाँ दोस्तों, अगर आप जो भी पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जो पल पल अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट, लेट्स चेक इट। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, CM योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग UP SSSC की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट को जल्द कराने के साथ साथ भर्ती परीक्षा के परिणाम शीघ्र घोषित करने के निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। जल्द ही सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्तियां रिक्रूटमेंट होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSSC की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट को जल्द कराने के साथ साथ भर्ती परीक्षा के परिणाम शीघ्र घोषित करने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, अब योगी जी को याद आ गया है कि परीक्षा के परिणाम भी घोषित करने हैं। यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने अब जाके अधिकारियों की थोड़ी सी फटकार लगाई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक CM ने बुधवार को अपने आवास पर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSSC के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने UP SSSC की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट को पूरी तैयारी के साथ जल्द कराने का निर्देश दिए। साथ ही कहा कि परीक्षा का परिणाम भी जल्द घोषित किया जाए। तो यहाँ देख सकते हैं, परीक्षा का परिणाम जो है जल्द घोषित कराने के लिए योगी जी ने आदेश दिया है, जो कि बिल्कुल भी हो नहीं रहा है। लगातार स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे आप लोगों ने भी दिया भी होगा। CM ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। CM योगी ने राज्य सरकार यूपी गवर्नमेंट के सभी विभागों में खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को आधार बनाया जाएगा, जिसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा। सरकार योग्यता को आधार बनाकर युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोक सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड सहित सभी चयन आयोगों द्वारा कराई जाने वाली भर्ती प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा कायम हुआ है। 4 साल में मिली 4 लाख नौकरियां, जो बिल्कुल फेक है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि CM योगी जो ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि 4 साल में 4 लाख नौकरियां दी गई हैं, कहाँ दी गई हैं आप लोग भी बता सकते हैं। फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा कि कितने जो है धरना प्रदर्शन के बाद भी स्टूडेंटों का बिल्कुल आवाज़ सुना नहीं जा रहा है। लगातार स्टूडेंट ट्विटर पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी किसी ने इनकी बात को रखा नहीं। अभी हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 4 साल में सरकार ने 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। भर्ती को बिना किसी भेदभाव और पारदर्शी तरीके से पूरा कराया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के संबंध में की जाने वाली तैयारियों के बारे में योजना की जानकारी दी। कैसे होगा चयन, यहाँ देख सकते हैं, समूह ग के पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। चयन के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजित की जाएगी, यानी सबसे पहले आपको प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेन्स एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा।
वहीं मेंस एग्जाम में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां विभिन्न विभागों में की जाएगी। तो फ्रेंड आप लोग का जो चयन होगा, सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद जो लोग प्री को क्वालिफाई करेंगे उसके लिए उनको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जो लोग इसको भी क्वालिफाई करेंगे उनको जो है विभागों में चयनित किया जाएगा। 2 घंटे का होगा पेट परीक्षा। पेट परीक्षा आप तो देख सकते हैं 2 घंटे की होगी। प्रारंभिक अर्थात परीक्षा पेट 2 घंटे की होगी और इस एग्जाम में कुल 100 प्रश्न, कितने फ्रेंड 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न का गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग भी व्यवस्था होगी। 1 सवाल गलत होने पर 1/4 जो है अंक काट दिया जाएगा, यानी 0.25 जो है माइनस मार्किंग है। प्रारंभिक अर्थात परीक्षा रिजल्ट परसेंटाइल के आधार पर जारी किया जाएगा और इसके आधार पर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं मैंने पेट के बारे में भी पूरी जानकारी दे दी कि 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगी। आवेदन की योजना जो 2021 में जो लोग जो है आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSC रिक्रूटमेंट 2021 इन भर्तियों के लिए आवेदन की घोषणा जल्द ही करेगा। पदों के हिसाब से योग्यता निर्धारित की जाएगी। स्नातक प्रोफेशनल कोर्सेज और इंटरमीडिएट समेत तकनीकी योग्यता वाले पदों पर ग्रुप वाइज आवेदन मांगने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए आयोग अलग अलग विभागों से आए भर्ती प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर अलग करेगा। किन विभागों में होगी भर्तियां, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों में जैसे लिपिक, परिवार कल्याण, लेखपाल, बहुत सारे लोगों की डिमांड है, बेसिक शिक्षा, नगर निकाय, माध्यमिक शिक्षा, ग्राम विकास, लेखा परीक्षक के साथ ही अन्य विभागों के रिक्त पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। तो फ्रेंड इन विभागों पर जो है 2021 में भर्तियाँ निकालने के लिए सरकार जो है तैयार हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं उन्होंने बात भी की है UP SSC से और बताया भी है कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को जो है एडवर्टीजमेंट यानी नोटिफिकेशन जारी की जाए। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका जो है नोटिफिकेशन आपको टनाटन मिलती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।